दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऐप टू यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ इस घंटी को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। हेलो दोस्तों, ऐप टू यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग जियो फोन को खरीद लिए हैं और अभी तक आप फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब ऐप को अपने फोन में चला नहीं पाए तो दोस्तों मेरी ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, जियो फोन के डब्बे में आप देख सकते हैं जो फोन की इमेज दी गई है उसमें फेसबुक और यूट्यूब दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों असल में वो फोन में क्यों नहीं है। और दोस्तों, अगर आप जियो स्टोर पर भी देखेंगे तो आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं मिलेगा। दरअसल इसका कारण क्या है? इसका कारण है फोन की ओएस, जो कि है काईओएस। दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज़ किया है तो पहले फायरफॉक्स का एक खुद का ओएस था जो कि फायरफॉक्स ओएस के नाम से जाना जाता था, और उस ओएस को 2016 में बंद कर दी गई क्योंकि फायरफॉक्स ओएस ज़्यादा नहीं चल पाया। और वही फायरफॉक्स ओएस 2016 में अपग्रेडेड होकर फीचर फोन के लिए बना काईओएस। तो दोस्तों, काईओएस बेसिकली एक फायरफॉक्स ओएस ही है और जियो फोन में वही काईओएस दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, फायरफॉक्स ओएस में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब सब चलता है, तो दोस्तों इसमें क्यों नहीं चल रहा है? तो दोस्तों, अगर आप जियो फोन से गूगल पे सर्च करके किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर जाके वहाँ से काईओएस का ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये लिखा आएगा कि नॉट अवेलेबल फॉर योर प्लेटफॉर्म, और ये सभी ऐप्स में लिखा आएगा। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना होगा तो आपको जियो स्टोर से ही करना होगा क्योंकि इस फोन में आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो काईओएस के लिए क्यों ना बना हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बात है। जियो ने मिलियंस ऑफ मोबाइल बना लिए हैं लेकिन कॉमन ऐप्स का सपोर्ट भी नहीं दिया है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये ऐप्स कब तक जियो स्टोर पर आएगा। और जियो स्टोर तो बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है जियो स्टोर में। तो दोस्तों, अगर आप जियो फोन को खरीद लिया है तो आप थोड़ा जा वेट कर लीजिए क्योंकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि जियो स्टोर पर ये सब ऐप्स कब आएगा, वो तो जियो ही अच्छे तरीके से बता पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि जियो फोन खरीदने के बारे में, तो दोस्तों आप प्लीज़ इस फ़ोन को बिल्कुल ना खरीदें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे हिसाब से जियो फोन को खरीदने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।